कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेव होंगे और घर पे रहने की अच्छी अच्छी चीजें कर रहे होंगे। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एवरीथिंग यू डू, क्योंकि आप जो चाहो ना वो जिस कर सकते हो लेकिन दिल से चाहना। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है घर पे बैठे बैठे हुक्का कैसे बनाते हैं। जैसे आपके पास घर पे हुक्का है, आपको बनाना नहीं आता कि ये, और बना भी लेते हैं तो वो ऐसे ही फालतू बनता है, आप स्मोक वगैरह सही नहीं आता, तो वो उसका प्रोसेस मेन क्या होता है कि मतलब वो कैसे बनाया जाता है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारा चैनल का नाम है एवरीथिंग यू डू, क्योंकि आप जो चाहो आप हर चीज कर सकते हो, तो मैं सारी एक एक सब कुछ सारी चीजों की वीडियो बना के दिखाऊंगा और आपको कुछ भी कंफ्यूजन होना कोई किसी चीज के बारे में पूछ रहा हो, आप कमेंट तो करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और कमेंट करके पूछो कि आपको क्या पूछना है, पूछो तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। और बहुत सिंपल तरीका, बहुत अच्छा तरीका, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है हुक्का बनाने में। चलिए, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बताते कैसे बनाते हो। सबसे पहले आपको हुक्का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नॉर्मल जो आपको फ्लेवर जो भी है आप तंबाकू वाला यूज़ करते हो या जो भी है, आपको वो लेके उसमें थोड़ा साफ़ करके उसे इसमें चिमनी में भरना पड़ेगा। और अब जैसा भी आप लोग, जैसे ये तो सादा वाला है, ये तंबाकू वाला फ्लेवर नहीं है, ये नॉर्मल है। तो जैसे कि आपको जो भी फ्लेवर है, एक से एक फ्लेवर आते हैं, रिंग फीजर और दुबई में सारे जो भी फ्लेवर आते हैं, जो भी आप लोगों को पसंद है वो आप जाके शॉप से ख़रीद के, आपको ऐसी टाइप का फ्लेवर होगा, उसे थोड़ा सा उसकी डंडी वगैरह साफ़ करके आपको इसमें डालना पड़ेगा। और इसमें आपको फिर डाल के होल आपको करना पड़ेगा, जो चिमनी का होल होता है इस तरह से, चिमनी के होल पहले सीधे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको इस तरह का फॉइल, जो फॉइल का पूरा पैकेट रहेगा, उसे आपको इसके ऊपर सारे जब छेद खुल जाएंगे इसके नीचे वाले, तो आपको इस तरह से ऊपर से इसे लगाना पड़ेगा और पूरा अच्छे से चारों तरफ से इसे लगा के इस तरीके से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से हर तरफ से पूरा अच्छे से लगा के इधर से इसे पैंट कर देना पड़ेगा। और जब पूरा अच्छे से ये लग जाए, उसके बाद फॉइल के साथ एक पिन आती है जो कि ऐसी पिन होगी, और आपको, आप लोग जैसा कि देख सकते हो, इस हिसाब से आपको ये छेद करना पड़ेगा। और ये छेद इसलिए होते हैं क्योंकि जो भी एयर है वो पास हो सके और स्मोक अच्छा आ सके। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप का आपको छेद करना है, और इतनी पतली पिन या सुई से आपको करना पड़ेगा। आपको फॉइल जो आप खरीदोगे तो फॉइल का उसी के साथ आपको इस टाइप की पिन मिलेगी जिससे ये छेद हो रहा है उसी पैकेट में। एंड जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, ये हुक्का है और अभी तैयार हो रहा है, और बस आपको ऐसे छेद करना है, ये फाइनल एक तरीके से। और इसे छेद करने के बाद उसमें हुक्के के ऊपर लगा दिया जाएगा। एंड बहुत थोड़ा टफ तरीका है, लेकिन सिंपल भी है, आप लोग 2-3 बार करोगे तो उसके बाद सीख जाओगे आप लोग, जैसा कि देख सकते हो। और इसके बाद इस टाइप का पूरा छेद हो गया। एंड आपको ये जो कॉइल है, ये पूरा कॉइल का पैकेट है, आपको एक एक जो है ये, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हुक्के के ऊपर ये फिट हो गया। एंड आपको ये कॉइल लाइटर या माचिस जिससे भी है उसे आपको जला लेना पड़ेगा, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चल रहा है। और ये चला के आपको इसके ऊपर रखना पड़ेगा चिमनी के ऊपर, इसके ऊपर। और आपको बहुत लोग बोलते हैं 2-2 पेपर ऊपर लगाते हैं चिमनी के, वो ज़रूरी नहीं है, आप एक ही पेपर लगाओ। और आप देख सकते हो कि एक ही पेपर लगा हुआ है और आपके सामने लगाया, एंड इसके ऊपर हमने ये कॉइल डाल दिया और ये अच्छे से जल रहा। एंड इसके बाद हम लोग ये पाइप यहाँ पर लगाते हैं, एंड अब स्मोक लेते हैं धीरे धीरे। पहले इसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अच्छे से स्मोक आ जाए पहले, और धीरे धीरे पहले खींचना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का, आप लोग देख सकते हैं ऐसे खींचना है और हल्का से धुआं छोड़ना पड़ेगा। फिर जब थोड़ी मुश्किल से 2-3-4-5-6 बार आप लोग खींचेंगे तो अच्छे से आ जाएगा एंड स्मोक अच्छे से फिर आने लगेगा, आप लोग देख सकते हैं। अभी ये हो रहा है, खींच रहा है, एंड खींचने के बाद ये खींच चुका है। अब इसके बाद जैसा कि ये मैं हूँ, एंड देख सकते कितना अच्छा स्मोक आ रहा है, और ये देखिए एक रिंग बनी बहुत प्यारी सी, एंड आप स्मोक वगैरह देख सकते हो कितना प्यारा स्मोक आ रहा है। सो गाइस, आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो कमेंट करके बताएं।
सो आई होप गाइस आप लोग वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो और शेयर करके पूरी जगह फैला दो यार। और कमेंट करके पूछो कि आपको और किस चीज में, आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, थोड़ी भी कंफ्यूजन हो, एक मिनट कमेंट करने पे क्या जा रहा है यार, आप घर थोड़ी ना जाओगे। आप कमेंट करके पूछो, मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि जो भी आपकी दिक्कत होगी मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और घर पे रहो, सेफ रहो। देखो मैं जैसा कि टकला हो चुका हूँ, मैंने रुमाल बांधा है घर में रहने के लिए। कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर लो ना जिससे आपको घर पे बाहर जाने का मौका ना मिले, कोरोना को इस देश से बाहर कर सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, जय हिंद।